आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक, सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। साथियों, 21वीं सदी के भारत को अपने आने वाले दशकों के लिए भी हमें आज ही तैयार करना होगा। इसलिए आज भारत भविष्य की योजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेस से सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से ड्रोन तक, एआई से क्लीन एनर्जी तक, 5G से फिनटेक तक, भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। भारत आज ग्लोबल वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत आज फिनटेक एडॉप्शन रेट में सबसे तेजी से बढ़ता देश है। भारत आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। भारत आज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत आज 5G नेटवर्क के विस्तार में यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत आज सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर के फ्यूल पर तेजी से काम कर रहा है। आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत फ्यूचरिस्टिक है, और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर, आने वाला समय और महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ये सुज्ञ ऑडियंस यहां बैठा है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले 5 वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या न होता, बिग लिप जरूर होता। इतना फायदा जरूर हुआ कि आपने बिग लिप का कार्यक्रम रखा तो मुझे भी अपने लिप खोलने का मौका मिल गया। इस कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सुबह से बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे, तो कुछ हंसी खुशी की शाम भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।